सभी को जय माता दी। और आज है डे 5 नवरात्रि का। डे 50 हुआ ना, मोटो सैटरडे से शुरू है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हाँ डे 5 नवरात्रि का। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ ऑफिस शुरू होने में। सिर्फ 5-6 मिनट लैपटॉप ऑन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस पूजा करिए ना। आ गया पूजा करिए और भागती हूँ। अभी मोटो आरती लगा रहा और मैं भागती हूँ, आप सब दर्शन कर लो। दो मिनट भोग लगाया। जय माता दी, जय माता दी। मोटो ब्रश लेंगे, आरती लगे। ठीक है ठीक है, बाद में मिलते बच्चों को खाना। बस मच्छी लोग को दाना डाले, लड़का कमाल रे। हाँ चलो, मोटो का हेडेक हो रहा है, चाहते हैं दवाई लेने जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं 9:40, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा डिनर। अभी मैं दीदी घर से होके आई। हमारे डिनर में आज है सोयाबीन, जो मैंने बनाया था। मोटो का फेवरेट, आजकल नॉनवेज नहीं खा रहा तो यही प्रोटीन इंटेक कर रहा है। दाल जो कि हमारी प्यारी बानू ने बनाई, और ये आलू गोभी। बस सब डिनर खाते हैं, बाहर कपड़े धुल रहे हैं। सो आ गया मेरा डिनर, ये देखिए, न्यूट्रेला दाल मेड बाय बानू, सब्जी मेड बाय बानू, न्यूट्रेला मेड बाय मोटी, और ये देखिए तारक मेहता। कहाँ गई मोटी तू? बाहुबली आएगा मेरा अभी। बाहुबली जल्दी आ। दोस्तों आपका स्वागत है आपके चैनल कूल हम सफर में। तो आज के ज्ञान का सेगमेंट है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर इन केस वो हाउसिंग लोन का चल रहा है तो दे कैन लाइक टेक द बेनिफिट ऑफ द HRA और नॉट। तो उसका जवाब है हाँ, दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ HRA अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो। बट उसकी कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जिस हाउस का आपका लोन चल रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए, मतलब वो आपके आप रेंटेड होनी चाहिए, मतलब आप उसे एक इनकम ले रहे हो या आपने रेंट पे दे रखी हो। देन ओनली यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द HRA प्लस लोन का जो मिलता है आपका बेनिफिट हाउसिंग लोन का। सो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, आते हैं, कहते हैं सर हमारा हाउसिंग लोन चल रहा था, HRA बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ वो ले सकते हैं बेनिफिट। इसका जवाब होता है हाँ। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, सो अभी आपका HR आपसे मांगेगा कि आपको टैक्स डिक्लेरेशन करने के लिए, तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं ATC के अंदर, ATD के अंदर, ATD तो ऑलरेडी आई थिंक, अगर इनके अगर कंपनी से आपको बेनिफिट मिल रहा है मेडिकल इंश्योरेंस का तो वो टेक्निकली वो वहाँ से ले लेंगे, बट ATC के अंदर जितने भी आपका होता है आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप जितना हो सके डिक्लेरेशन कर दो अंटिल अनलेस आपका टैक्स ना कटे फ्रॉम द डे ऑफ 1। सो मेरा आपको सजेशन यही है, जैसे आपका पोर्टल ओपन हो HR डिक्लेरेशन करने के लिए तो वहाँ सारे आप डिक्लेरेशन कर दो, ताकि मीन वाइल आपका टैक्स ना कटें। और जब भी आपका मिड ऑफ द फ्रॉम लाइक अप्रैल टू दिसंबर जब एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेशन में आता है, उस बीच में आप कहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सको तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल सके। सो मेरा आपको सजेशन ये होगा, तो जितना हो सके कॉम्पोनेंट आपको वहाँ फिल कर दो, ताकि आपको ये 5-6 महीने जो भी है वो टैक्स ना कटे। और इन बिटवीन आप अपना कोई टैक्स प्लानिंग करो, अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करो और वहाँ जाके प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, और वहाँ पर क्रॉस चेक कर लेना कि वो आपको टैक्स एग्जम्पशन देगा या नहीं देगा। तो ये था आज का ज्ञान, मिलते हैं आपसे दोबारा बहुत जल्दी। बाय।